Hi guys, myself Ravi Kindra, and today I will discuss with you upon the topic of indifference curve, the indifference curve analysis. What is indifference curve? So today I will discuss with you what is indifference curve. So indifference curve is a locus which show the different combination of two commodities and which yield the equal satisfaction to the consumer. So what is locus? Locus mean to say ek bindiyon ka path, bindiyon ke path ko milana, bindiyon ke path ko locus kaha jata hai. सपोज कोई भी डायग्राम हमने बनाया वहां पे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और तीनों को मिलाने से जो बिंदियों का जो पथ बना उसको हमने कहा लोकस. याद रहेगा आप लोगों को इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस व्हिच शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉमोडिटीज. यहाँ पे अब एक कॉमोडिटी नहीं रहेगी. आपसे पहले हमने जितने भी डायग्राम बनाए थे उसमें एक कॉमोडिटी रहती थी. हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा, वहां पे एक कॉमोडिटी रहा करती थी, लेकिन इंडिफरेंस कर्व में दो कॉमोडिटी रहा करेंगी. So indifference curve is a locus which shows a different combination of two commodities and which yield the equal satisfaction to the consumer. Equal satisfaction कैसे रहता है? अभी जो हमने मार्शल की थ्योरी पढ़ी, मार्शल ही कहते हैं कि यूटिलिटी कैन बी मेजरमेंट इन द फॉर्म ऑफ इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स. लेकिन हिक्स ये कहते हैं कि हम यूटिलिटी को मेजरमेंट नंबर्स में नहीं कर सकते हैं. हम सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं कि मुझे जो पानी का एक गिलास है वो जूस के गिलास से ज्यादा अच्छा लगा, मुझे जो एक जूस का जो एक गिलास है वो मुझे मिल्क के गिलास से वो ज्यादा अच्छा लगा या मुझे कम अच्छा लगा. सो वी कैन कंपेयर. सो इंडिफरेंस कर्व में एनालिसिस में हम ये स्टडी करेंगे कि जब जो कंज्यूमर होगा जब एक लेवल से एक अपना कॉम्बिनेशन से दूसरे कॉम्बिनेशन पे जाएगा तो भी उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा. क्लियर है? सो इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस व्हिच शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉमोडिटीज एंड व्हिच यील्ड द इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर. सो वी कैन आल्सो अंडरस्टैंड टू इट विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम एंड आल्सो वी कैन अंडरस्टैंड टू इट विद द हेल्प ऑफ द टेबुलेटर प्रेजेंटेशन. तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक टेबल बना के समझाने की कोशिश करता हूं कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है. बहुत ही आसान कंसेप्ट है, सिर्फ इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए. दिस इज अ कॉम्बिनेशन, दिस इज अ कॉम्बिनेशन. ठीक है, ओके, ध्यान से देखिए जरा. दिस इज अ एक्स कॉमोडिटी. एक्स कॉमोडिटी को हम, ये जरूरी है कि हर भाई एक्स कॉमोडिटी और वाई कॉमोडिटी लेंगे, हम लोग एप्पल और ऑरेंज भी ले सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज अ एप्पल. ठीक है, और दिस इज अ ऑरेंज. कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए कि सपोज मेरे पास एक एप्पल है, आई हैव अ वन एप्पल. ठीक है, तो ये मेरा ए कॉम्बिनेशन हुआ. तो ए कॉम्बिनेशन में मेरे पास एक एप्पल है और मेरे पास जो 10 ऑरेंज है. क्लियर है? ध्यान से अंडरस्टैंड करिए. मेरे पास एक एप्पल है और मेरे पास 10 ऑरेंज है. मैं एक एप्पल और गेन करना चाहता हूं. सेकंड कॉम्बिनेशन में, बी कॉम्बिनेशन में मैं एक एप्पल को और गेन करना चाहता हूं. तो नेचुरल सी बात है, अगर मैं एक एप्पल को और गेन करना चाहूंगा तो मुझे कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा. तो मुझे ऑरेंज का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. तो मैं 2 से 7 पे आ जाता हूं. ठीक है, अब इंडिफरेंस कर्व ये कहता है कि इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस व्हिच शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉमोडिटीज. यहाँ पे कॉमोडिटी 2 है हमारे पास, एक एप्पल है, एक ऑरेंज है. ठीक है, ए कॉम्बिनेशन से मैं बी कॉम्बिनेशन पे जा रहा हूं. पहले मेरे पास एक एप्पल था, फिर मेरे पास 2 एप्पल हो गए, लेकिन अब दूसरे एप्पल के बदले में मैंने 3 ऑरेंज का सेक्रीफाइस कर दिया. ठीक है, तो जो दूसरा कॉम्बिनेशन बना तो वो भी इंडिफरेंस कर्व मुझे ये समझा रहा है कि यहां पर भी मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, चाहे मैं कॉम्बिनेशन ए पे हूं, चाहे मैं कॉम्बिनेशन बी पे हूं, दोनों कॉम्बिनेशन के ऊपर मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा. क्लियर? अब मैं सी कॉम्बिनेशन पे चला गया. सी कॉम्बिनेशन पे अब मुझे एक एप्पल और चाहिए, मतलब मैं थर्ड एप्पल को पाना चाहता हूं. थर्ड एप्पल के लिए मुझे अब कुछ और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. अब यहां पे मेरे पास 5 ऑरेंज है. ठीक है, अब 3 एप्पल है और 5 ऑरेंज है. यहां भी मेरे को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वहां भी कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा. ठीक है,
अब ये डी पॉइंट है, डी पॉइंट के ऊपर, डी कॉम्बिनेशन के ऊपर वो एक एप्पल को और गेन करना चाहता है और एक एप्पल को और गेन करना चाहता है, एक एप्पल को और गेन करने के लिए उसे ऑरेंज का फिर दोबारा से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सपोज यहां पे अब उसके पास चार ही ऑरेंज रह जाते हैं, एक एप्पल 10 ऑरेंज, दो एप्पल 7 ऑरेंज, 3 एप्पल 5 ऑरेंज, 4 एप्पल 4 ऑरेंज। तो कॉम्बिनेशन कितने बन गए हमारे पास, ए बी सी डी, चार कॉम्बिनेशन बन गए। सो इंडिफरेंस कर्व क्या समझा रहा है, इंडिफरेंस कर्व इज अ लॉकस, एक बिल्लियों का पथ है, विच शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉमोडिटीज, एक तरफ एप्पल है दूसरी तरफ ऑरेंज है, विच यील्ड द इक्वल सैटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, चाहे ए पॉइंट है, चाहे वो बी पॉइंट है, चाहे वो सी पॉइंट है, चाहे वो आगे कहीं डी पॉइंट बन रहा है, तो सभी बिंदियों के ऊपर, सभी कॉम्बिनेशन के ऊपर कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फिकेशन मिलता है। ठीक है, दिस इज अ इंडिफरेंस कर्व। ओके, सो अब क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई इंडिफरेंस कर्व हैव अ डाउनवर्ड स्लोप, क्लियर। दूसरा, व्हाई इंडिफरेंस कर्व हैव अ, ये कन्वेक्स क्यों होता है, कंकेव क्यों नहीं होता। So, मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ये समझाऊंगा कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, बस एक बात आपको आपको यहां समझनी है, बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, एक एक कॉमोडिटी है, दो कॉमोडिटी है, तीन कॉमोडिटी, चार कॉमोडिटी है, ये बढ़ रहे हैं और ये कम हो रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एक्स कॉमोडिटी एंड द वाई कॉमोडिटी, बिटवीन एप्पल एंड द ऑरेंज, सो फॉर इंडिफरेंस कर्व हैव अ डाउनवर्ड स्लोप। क्लियर, याद रहेगा आपको, इंडिफरेंस कर्व इज अ लॉकस विच शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉमोडिटीज एंड विच यील्ड द इक्वल सैटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आई होप थिंक सो कि आपको इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिफरेंस कर्व के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हाँ, एक बात और, इकोनॉमिक्स में रट्टे मारना छोड़ दीजिए, आज के बाद इकोनॉमिक्स आपको इतने अच्छे से समझ आने लग जाएगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अपने अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए मैं अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।